आज हम बात करेंगे कि आप अपने थायराइड ग्लैंड को नेचुरली कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, उसके मसाइल को। तो थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड होता है, हमारे गर्दन के अंदर होता है, और इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। और थायरॉक्सिन का काम बेसिकली ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उस यही इसका मेन काम होता है कि जो हमारी खाने का जो स्पीड होती है, जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, और इसकी कमी या इसकी वजह से इसमें कोई भी अगर ख़राबी होती है तो वो हमारे ओवरऑल पूरी हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट डालती है। तो थायराइड में दो किस्म के मसले हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा हो, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और या आपका थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली ये ज़्यादा होता है लोगों को, और ख़ासतौर पर फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। उसमें उनका वेट गेन ज़्यादा हो रहा होता है, थकान की बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, सर्दी लगती है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। इसी तरीके से जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसके अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है, वेट लॉस हो जाता है इसके अंदर, और नींद सही से नहीं आती, और उनको गर्मी लगती है। इस तरीके के इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो आप अपने थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो डाइट है। तो आपने अपनी डाइट में से कुछ चीज़ें हटानी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनको गाइट्रोजेनिक चीज़ें नहीं लेनी होती। वो गाइट्रोजेनिक चीज़ें वो होती हैं जो कि आपके थायराइड ग्लैंड पर जो है वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालती हैं, जिसमें से आपने सोया के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने होते जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं। उनको बंद गोभी, फूल गोभी, सारी जो गोभी की फैमिली होती है इसकी कोई चीज़ नहीं लेनी होती। उसके अलावा उनको जो है जैसे पीच हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, शकरकंदी हो गई, मूंगफली, ये अवॉइड करना होता है, ये नहीं लेना होता। और जो चीज़ें उनको लेनी होती हैं उसमें उनको दूध दही से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अच्छा करना होता है। सूरजमुखी के यानी सनफ्लावर के जो बीज होते हैं वो ले सकते हैं, वो ब्राउन राइस दही का इस्तेमाल करें, और अपने खानों को चार टाइम में डिवाइड करके खाएं। बहुत बड़े बड़े मील्स ना लें, छोटे छोटे पोर्शंस के मील वो लें। और उसके अलावा जो है योगा और मेडिटेशन करें जो हाइपोथायरॉयडिज्म के। और जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनको आयोडीन अवॉइड करना होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वालों को आयोडीन वाली चीज़ें और सेलेनियम वाली चीज़ें लेनी होती हैं, और जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले होते हैं उनको जो है आयोडीन और सेलेनियम वाली चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अंडे की जर्दी अवॉइड करनी होती है उनको, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी होती, जैसे सी फूड का बहुत एक्सेसिव यूज़ नहीं करना होता। और उनको अपनी डाइट में एक सप्लीमेंट होता है एल कार्निटीन, जो कि अमाइनो एसिड होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, एल कार्निटीन, और वाइटामिन B12 का उनके डाइट में यूजेज होना चाहिए, साथ में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल उनकी डाइट में होना चाहिए।